हमारा अगला टॉपिक है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से ही बना हुआ है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर फॉर्मूला की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में है तो यहाँ पर उसकी फॉर्मूला आ जाएगी ई एक्स इज इक्वल टू ई ओ। ई ओ मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन है उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा के जेड माइनस ओमेगा इंटू टी, राइट। तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ एक्स डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। अब मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, राइट, जिसके ऑसिलेशन है वाई डायरेक्शन में, तो बी वाई इज इक्वल टू बी ओ इंटू साइन ब्रैकेट, यहाँ पर फॉर्मूला आएगी के जेड माइनस ओमेगा टी, राइट। यहाँ पर जो जेड एक्सिस है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड है वो जेड डायरेक्शन में होगी, राइट। अब यहाँ पर जो बेसिकली के है, राइट, के को हम लोग यहाँ पर बोलेंगे वेव नंबर, राइट। तो के उसकी फॉर्मूला होगी इज इक्वल टू टू इंटू पाई अपॉन लेमड़ा, लेमडा जो कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका वेवलेंथ होगा, राइट। अब जो अपर इक्वेशन है, राइट, यहाँ पर जो ओमेगा है, ओमेगा बेसिकली क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट। तो उसके फॉर्मूला की अगर बात की जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू, यहाँ पर फॉर्मूला आएगा ओमेगा इज इक्वल टू सी इंटू के। सी बेसिकली लाइट स्पीड है, राइट। ओके, अब सी जो लाइट स्पीड है उसकी भी एक अलग से ही फॉर्मूला है, एंड दैट इज़ अंडर रूट ऑफ वन अपॉन म्यू ज़ीरो इंटू एप्सिलॉन ज़ीरो, राइट। ये लाइट स्पीड की यहाँ पर फॉर्मूला हुई। अब यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन है, अगर ओमेगा की बात करें तो ओमेगा की यहाँ पर इक्वेशन है टू पाई न्यू, राइट, और के दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ओमेगा मतलब कि टू इंटू पाई इंटू न्यू, न्यू मतलब कि यहाँ पर आएगा फ्रीक्वेंसी, तो टू पाई न्यू इज इक्वल टू यहाँ पर सी इंटू दी ब्रैकेट के, के मतलब कि उसकी फॉर्मूला हो जाएगी टू इंटू पाई अपॉन लेमड़ा, राइट। तो ये उसकी फॉर्मूला हो जाएगी, एंड टू पाई कैंसल। तो अब यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारे पास मिली न्यू इंटू लेमड़ा इज इक्वल टू सी, तो बेसिकली ये फॉर्मूला होगी। अब न्यू इंटू लेमड़ा इज इक्वल टू सी, राइट। तो इस फॉर्मूला में, इस सभी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एक रिलेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, दैट इज़ बी ओ इज इक्वल टू ई ओ अपॉन सी, राइट। मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड अपॉन लाइट स्पीड, राइट। मान लीजिए कि अगर वेव नेचर की बात की जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो वेव नेचर है बेसिकली इस तरीके से मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्स डायरेक्शन में है उसके ऑसिलेशन एक्स डायरेक्शनल है, और मैग्नेटिक फील्ड उसके ऑसिलेशंस वाई डायरेक्शनल है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ रहे जेड डायरेक्शन में, राइट। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर रूल अप्लाई हो रहा है। अब इसके अगले कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो अगले कैरेक्टरिस्टिक में आएगा रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर मतलब कि यहाँ पर जो रेडिएशन के फॉर्म में जो पर्टिकुलर सरफेस पे जब ये रेडिएशन इंसिडेंट होगा तो उसका कितना मोमेंटम मिलेगा उसकी अगर बात करें तो मोमेंटम पी इज इक्वल टू एनर्जी ट्रांसफर्ड अपॉन लाइट ऑफ स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू फिक्स है और अकॉर्डिंग टू रेडिएशन जो रेडिएशन एनर्जी है, राइट, तो उसकी मदद से हम लोग मोमेंटम भी यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो सोलर पैनल्स हैं वो इसी बेस पे वर्क करती है, राइट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चाहे जो वो जो भी वेवलेंथ का होगा उसके अकॉर्डिंग उसके पास एनर्जी है,